नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएसआर ट्यूब। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं पटना साहिब रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर एक। आज दानापुर डीआरएम से एक आदेश आया है और इस आदेश में लगभग यहाँ 2 दर्जन से अधिक टिकट जांच दल का जो दस्ता है पूरे प्रशासनिक रूप से जैसे देखा तो सुरक्षा बल के साथ में आज विशेष रूप से टिकट जांच का अभियान किया है। जो कि जब देखा जाता है तो एसी में और जो बिना टिकट यात्रा करने वाले जो यात्री लोग हैं उनके लिए आज लोगों को पकड़े हैं। और यहां जब देखिएगा तो काफ़ी अफरा तफरी है, लगभग सैकड़ों की संख्या में यहां पर अभी तक पकड़ में आई है। और ये अभियान जो है सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक ये अभियान चलेगी। और सबसे बात है कि अभी भी लोग बिना टिकट का लोग यात्रा करते हैं और खास करके जो एयर एसी 3 क्लास का जो वो है उस पर भी लोग टिकट बिना टिकट लेकर चले जाते हैं। उसके लिए यहाँ पर क्या कुछ कर रहे हैं रेलवे विभाग के अधिकारी, उनकी बात को सुनते हैं। आज विशेष जांच दल अभियान किया जा रहा है पटना साहिब में। सर, अब पटना साहिब में किलाबंदी जांच किया जा रहा है 8 से 16 बजे तक। और ये इसमें एसी विदाउट टिकट वाले और एसी में जो अनऑथराइज पे चल रहे हैं उनके लिए विशेष अभियान है। और हम अपील भी करेंगे जनता से कि टिकट लेके ही प्रॉपर टिकट लेके यात्रा करें। ये फाइन का क्या प्रावधान है सर? फाइन तो एसी में जो चलेंगे उसके अनुसार, जो स्लीपर जनरल डब्बा में चलेंगे उसके अनुसार जो नियमानुसार चार्ज होगा वो लगेगा। लगभग कितने लोग अभी तक पकड़े हैं? अभी तक तो 200 से ऊपर लोग पकड़े जा चुके हैं विदाउट टिकट। क्या नाम हुआ? मेरा प्रदीप कुमार, एसीएम टिकट चेकिंग दानापुर। चाहे वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 हो चाहे फिर वो 1 हो, एक विशेष टिकट दस्ता का जो चेकिंग जो है जाँच अभियान जो चल रही है। और काफ़ी लोग, जब रेलवे के अधिकारी से मैंने बात किया है तो वो खुद बता रहे हैं कि 200 से ऊपर लोगों को पकड़ में आया है बिना टिकट के यात्रा करने के। जुर्म में जो कुछ लोग जो है वो फाइन जुर्माना देकर छूट गए हैं, लेकिन सवाल उठता है कि अभी भी लोग जाते हैं बिना टिकट यात्रा, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। ऐसा साइट हुआ, आप देखते रहिए। जय हिंद।